आप सब लोगों से एक अपील कर रहा हूँ, अपने सभी पत्रकार भाइयों के, वो मुझको बड़ा भाई मानते हों, छोटा भाई मानते हों, मित्र मानते हों, शुभचिंतक मानते हों या राजनैतिक विरोधी मानते हों, कुछ भी मानते हों, तो अगर हमें वो जानते हैं तो मैं उन सब भाइयों से अपील कर रहा हूँ कि शहर में तमाम लोग जो परेशान लोग हैं उनके घर घर तक खाना पहुंचा रहे हैं। मेरे कुछ साथी हैं, चाहे वो वीर अर्जुन के ज्ञानेन्द्र मिश्रा बम्बम हो, JMD न्यूज के अशोक दीक्षित हो, निशंक न्यूज के सुजीत सिंह हो, हिंदुस्तान अखबार के अंकित सैनी हो, ये सभी लोग मेरे साथ पशु पक्षियों को भी खाना खिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मनुष्यों को खाना मिल रहा है, प्रशासन भी उनके लिए पूरी तैयारी कर रहा है, उनको घर घर तक खाना पहुंचा रहा है, लेकिन हमें आपको सबको ये मानना चाहिए कि पशु पक्षी भी जीवात्मा हैं, उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। कोरोना का संकट है, पूरे देश में लॉकडाउन है, और वही एक इससे बचाव का तरीका भी है। तो हम अपने सभी पत्रकार साथियों से ये अपील करते हैं कि वो सड़क पे भले ना निकलें तो अपने घर की छत पर, चाहे वो 100 ग्राम अनाज हो घर में, जैसे अपने खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी जो कुछ भी वो बना रहे हैं उसका कुछ अंश अपनी घर की छत पर अवश्य रख दें, ताकि बेजुबान पक्षी अपना पेट भर सकें। हम सभी लोगों को यह मानना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों, सिख हो, जो भी हैं, हर धर्म में यह कहा गया है कि आप कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो पशु पक्षियों को भोजन का एक प्रावधान है। पशुओं में गाय को कहा गया है, कौवों कहा गया, कुत्तों कहा गया है, लेकिन अन्य भी तमाम पक्षी हैं। तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के अपील है, मेरी बात को रखते हुए आप कुछ ना करें तो जब सुबह घर से निकलें तो अपने घर की छत पे कुछ अनाज के दाने, कुछ खाने का सामान, एक मग्गे में पानी जरूर रख दें, ताकि जो पक्षी घूम रहे हैं उनको जो भोजन नहीं मिल पा रहा है वो मिलता रहे, और वो जीव हो के आपको, आपके परिवार को, सबको दुआ दें। ये बेजुबान पक्षियों को दुआ, बेजुबान आदमियों को दुआ हमेशा काम देगी। ऊपर वाला जो जो कर रहा है उसको हर समय देखता है।